साथियों, भाजपा सरकार विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही, बल्कि अब उन्हें रोकने भी लगी है। ऐसी निर्दयता की मैं कल्पना नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल पिछले साल आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर के उभरा, लेकिन यहां की सरकार ने अब आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को देने से इनकार कर दिया। इस योजना के तहत राज्य के 17 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ था। अभी 17,000 से अधिक गरीबों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज ही चल रहा था और बीच में ही पश्चिम बंगाल की गरीब विरोधी सरकार ने उनको अधर में छोड़कर की योजना से हाथ खींच लिया। इससे बड़ी संवेदनहीनता, इससे बड़ी निर्दयता कोई नहीं हो सकती है। अब आप ही बताइए, जो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को धोखा दे दे, वो क्या कभी किसी का भला कर सकते हैं? गरीबों के जीवन से खेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और ये किया क्यों उन्होंने? मुझे किसी ने बताया कि जिन गरीबों को इसका लाभ मिला, बिना पैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया, किसी के नी का ऑपरेशन हो गया, किसी सगर्भा बहन को संकट के समय बचा लिया गया, और जब लोगों ने उनको पूछा कि आपको ऐसा कैसे मदद मिल गई, तो बेचारे गरीब भले भोले लोगों ने उनके मुंह से निकल गया कि मोदी जो योजना लाया है ना, उसके कारण मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी जिंदगी बच गई। अब ये बंगाल के गरीब के मुंह से मोदी का नाम निकला तो दीदी की नींद खराब हो गई। दीदी को लगने लगा कि आयुष्मान भारत योजना अगर गरीबों की बीमारियों से दूर हो जाएगी और हर बीमार जब ठीक होगा और मोदी मोदी बोलेगा तो दीदी का क्या होगा? ये मोदी शब्द सुनने के कारण ये दीदी ने पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को इतनी बड़ी सुविधा से वंचित कर दिया है। ऐसी निर्दय सरकार को एक पल रहने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों,